मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बैरूनी खतरात से निमटने के लिए कनाडा ताइवान से बहुत कुछ सीख सकता है। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि गलत मालूमात के खिलाफ ताइवान के इकदाम मुतासर कुन हैं। कैनेडियन वजीर आजम चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पुरुद। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर का कनाडा रेवेन्यू एजेंसी को खत। ट्रूडो फाउंडेशन का मुकम्मल ऑडिट शुरू करने का मुतालबा। मुमकिन अवामी इंक्वायरी के लिए किसी भी सबूत को महफूज रखने का मुतालबा। टोरंटो में बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक शहर में पीर और मंगल को बारिश का इम्कान है। टोरंटो का दर्जा हरारत कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अमरीकी फोर्सेस का शुमाली शाम में दाइश के सीनियर रहनुमा को हलाक करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि दाइश रहनुमा मशरिक़ वस्ता और यूरोप में दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस था। अमरीकी कार्रवाई में दीगर 2 मुसल्ला अफराद भी मारे गए हैं। सूडान में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेज के दरमियान लड़ाई तीसरे रोज भी जारी। हलाकतों की तादाद बढ़कर 100 के करीब पहुंच गई है। खराब हालात की वजह से कई अफराद को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा सका। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कनाडा के सियासतदानों के कसीरल जमाती वफ्द के ताइवान से वतन वापस आने के बाद अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि जब चीन की तरफ से गैर मुल्की मदाखलत के खतरे से निमटने की बात आती है तो कनाडा इस जजीरे से सबक सीख सकता है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सियासतदानों के कसीरल जमाती वफ्द के ताइवान से वतन वापस आने के बाद अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि जब चीन की तरफ से गैर मुल्की मदाखलत के खतरे से निमटने की बात आती है तो कनाडा उस जजीरे से सबक सीख सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी के खारजा उमूर के नकाद माइकल चोंग और लिबरल MP जॉन मैके, जो कौमी दिफा से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के सरबरा हैं, ने कहा कि वो गलत मालूमात की मुहिम के खिलाफ मज़ाहमत करने के ताइवान के नुक्ते नज़र से मुतासिर हुए हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे असबाक हैं जो कनाडा गैर मुल्की मदाखलत के बारे में सीख सकता है, और मुआशरे और हुकूमत को इस मदाखलत के खिलाफ कनाडा के मुआशरे को सख्त करने का जवाब देना चाहिए, जिसका हम
बीजिंग से तजर्बा कर रहे हैं। ये दौरा पार्लियामेंट में कनाडा ताइवान फ्रेंडशिप ग्रुप के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया गया था और इसमें ब्लॉक और एनडीपी के अराकीन भी शामिल थे। ताइवान के करीब गुज़िश्ता हफ्ते चीन की तरफ से बड़े पैमाने पर फिजाई और बहरी फौजी मशकों के तनाजर में था। ख्याल किया जाता है कि इन मशकों का ताल्लुक ताइवान की सदर साई अंगवेन के इस माह के शुरू में अमरीका के दौरे से है। बीजिंग का इसरार है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन ताइवान के रहनुमा बीजिंग के खुद मुख्तारी के दावे को मुस्तरद करते हैं और जजीरे पर जमहूरी तरीके से हुकूमत की जाती है। माहिरीन का कहना है कि गैर मुल्की सियासतदानों के ताइवान के दौरे अक्सर होते रहे और ये कि चीन की हालिया फौजी मशकों का साल के इस वक्त साजगार मौसम के साथ ज्यादा ताल्लुक था। चीन हर दौरे का रद्द अमल नहीं देता, वो बुनियादी तौर पर सिर्फ ताइवान के साथ अमरीकी ताल्लुकात में दिलचस्पी रखते हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस हफ्ते के शुरू में अरकानी पार्लियामेंट के दौरे की हिमायत का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया भर में जमहूरी इकदार और उसूलों के लिए हमारी हिमायत का इजहार करना इंतहाई जरूरी है। ट्रूडो ने कहा कि आप नए ताइवान और ताइवान के इर्द गिर्द चीन के जारहाना इकदाम मसाइल का शिकार हैं और हमें वाकई उम्मीद है कि खत्ते में कशीदगी में कमी आएगी। मैककेन ने कहा कि इस सफर की खास बात ताइवान के डिजिटल उमूर के वजीर से मुलाकात थी। कनाडा के अराकीन पार्लियामेंट को मालूम हुआ कि ताइवान ने हुकूमत और हुकूमत के जेर इंतजाम सनदों दोनों में साइबर हमलों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार एक वजारत से फायदा उठाया। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने कनाडा की रेवेन्यू एजेंसी को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि वो पियर एलियट ट्रूडो फाउंडेशन का एक मुकम्मल ऑडिट शुरू करें। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने कनाडा की रेवेन्यू एजेंसी को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि वो पियर एलियट ट्रूडो फाउंडेशन का एक मुकम्मल ऑडिट शुरू करें जिसमें गैर मुल्की हुकूमतों से खैराती इदारे को मिलने वाले अतियात पर तवज्जो दी जाए। यह खत उस वक्त सामने आया है जब हालात से आगाह सराय ने रेडियो कनाडा को बताया कि चीनी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले दो अफराद की तरफ से चैरिटी को दिया गया एक मुतनाजा $1,40,000 अतिया वापस कर दिया गया है। ये दरख्वास्त ग्लोब एंड मेल की गुज़िश्ता माह रिपोर्ट होने के बाद सामने आई है कि जोंग बिन और न्यू गेंशिंग, जिन्हें बाद में अखबार के जरिए चीनी हुकूमत से मुंसलिक ताजरों के तौर पर शनाख्त किया गया, उन्होंने 2016 में फाउंडेशन को $2,00,000 अतिया करने का वादा किया। फाउंडेशन ने बाद में कहा कि उसने वादा की गई रकम में से सिर्फ $1,40,000 $70,000 अदायगियों की सूरत में वसूल की जो एक कॉरपोरेशन के नाम पर आई। पॉलिवर की जानिब से CRA को लिखे गए खत में यह भी कहा गया है कि इस तरह के ऑडिट में सामने आने वाले किसी भी सबूत का जो मुमकिन तौर पर गैर मुल्की अदाकारों की तरफ से मदाखलत की कोशिश से मुतालिक हो को कनाडा की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज को भेज दिया जाए। खत में कहा गया है कि $1,40,000 का अतिया चीनी हुकूमत से अतिया दहिंदगान के रवाबित की निशानदेही किए बगैर गैर मुल्की असर रसूख की खरीदो फरोख, फंड्स के हकीकी जराए को छुपाने की कोशिशों और मुमकिन तौर पर धोखा दही के बारे में संगीन सवालात उठाता है। खत में यह भी कहा गया है कि मुमकिन अवामी इंक्वायरी के लिए किसी भी सबूत को महफूज रखा जाए। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में बारिश के साथ दर्जा हरारत में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में बारिश के साथ दर्जा हरारत में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। टोरंटो का गर्मा गर्म मौसम बारिश और दर्जा हरारत में सख्त कमी की पेशन गोई के साथ अचानक खत्म होने वाला है। कौमी मौसमियाती एजेंसी की जानिब से हफ्ते के आगाज में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ पीर और मंगल को बारिश की पेशगोई कर रही है। पीर के रोज़ बारिश के 40% इम्कानात के साथ दर्जा हरारत दिन के औकात में 10 और रात के औकात में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। टोरंटो में वस्त हफ्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ धूप की पेशगोई की गई है, लेकिन इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि शहर में अबर आलूद रहने का इम्कान है और जुमे की रात बारिश के 60% तक इम्कानात है। वाज़ रहे कि 12 अप्रैल को टोरंटो के गैर मौसमी दर्जा हरारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया जब दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आखिरी बार शहर ने इतना ज्यादा दर्जा हरारत 20 साल पहले देखा था 2001 में, जब यह 25.8 सेंटीग्रेड था। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से शुमाली शाम में कार्रवाई के दौरान दाइश के सीनियर रहनुमा को हलाक करने का दावा किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी फोर्सेज की जानिब से शुमाली शाम में कार्रवाई के दौरान दाइश के सीनियर रहनुमा को हलाक करने का दावा किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इसकी फोर्सेस ने पीर की सुबह दाइश के एक सीनियर रहनुमा को निशाना बनाया और मुमकिन तौर पर हलाक कर दिया, जो मुबैना तौर पर मशरिक़ वस्ती और यूरोप में दहशतगर्द हमलों की मनसूबा बंदी में मुलव्वस था।
अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हेलीकॉप्टर हमले में दाइश रहनुमा की मुमकिन मौत हो गई है। दाइश रहनुमा मशरिक वस्ता और यूरोप में दहशत गर्दाना हमलों की मनसूबा बंदी में मुलविस था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी कार्रवाई में दीगर दो मुसल्ह अफराद भी मारे गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड फोर्सेज के मुताबिक शुमाली शाम में यह यक तरफा हेलीकॉप्टर हमला है और इसमें दो दीगर मुसल्ह अफराद मारे गए। सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले में अमरीकी फौजी और आम शहरी और अमरीकी हेलीकॉप्टरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सूडान के दारुल हुकूमत खरतूम में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान लड़ाई तीसरे रोज भी जारी है, जहां हलाकतों की तादाद बढ़कर 100 के करीब पहुंच गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सूडान के दारुल हुकूमत खरतूम में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान लड़ाई तीसरे रोज भी जारी है, जहां हलाकतों की तादाद बढ़कर 100 के करीब पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते को शुरू होने वाली लड़ाई आर्मी चीफ अब्दुल फताह अल बुरहान और उनके नायब ताकतवर पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के कमांडर मोहम्मद हमदान देगलो के दरमियान हुकूमत की लड़ाई है। खरतूम में जारी बदतरीन लड़ाई के हवाले से आलमी सतह पर तश्वीश का इजहार किया गया और फौरी तौर पर लड़ाई तर्क करके मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया। डॉक्टर्स की यूनियन ने एक बयान में कहा कि झड़पों में अब तक आम शहरियों समेत 97 अफराद हलाक हो चुके हैं, ताहम ये तादाद हतमी नहीं है क्योंकि खराब हालात की वजह से कई अफराद को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा सका है। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत खरतूम में दोनों फोर्सेज के दरमियान लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब RSF को फौज में शामिल करने के मंसूबे पर बुरहान और देगलो के दरमियान इख्तलाफात हुए। दोनों कमांडरों की जानिब से 2021 में फौजी हुकूमत कायम करने के बाद हतमी मुहैदे की ये बुनियादी शर्त थी। सूडान में फौजी कमांडरों की जानिब से हुकूमत पर कब्जे से 2019 में उस वक्त के सदर उमर अल बशीर को हटाकर सिविल बालादस्ती की तहरीक भी खत्म हो गई थी और मुल्क में मौशी बहरान भी पैदा हुआ था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.